नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। उस पर एक नया अपडेट चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। प्रशासन से लेकर उम्मीदवार तक पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। उम्मीदवार अपने मतदाता को रिझाने के लिए उनके द्वार तक पहुंचने लगे हैं। इधर चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी अधिकारियों में भी बांटना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को ईवीएम मशीन के द्वारा कराए जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभाग का यह कहना है कि इस बार चुनाव ईवीएम के द्वारा ही होगा। यह पहली बार होगा जब बिहार में पंचायत चुनाव बैलेट से नहीं बल्कि ईवीएम के द्वारा कराया जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर 19 जनवरी से 1 फरवरी तक नए मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच मतदाता सूची में संशोधन को लेकर दावा एवं आपत्ति भी दाखिल की जाएगी। 1 जनवरी के आधार पर नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 19 जनवरी से 1 फरवरी के बीच सभी जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नए मतदाता बनने के लिए आवेदनकर्ता को जन्मतिथि यानी कि उनकी आयु का प्रमाण और मामूली तौर पर निवास स्थान के प्रमाण स्वरूप कागजात की प्रति जमा करनी होगी। जन्मतिथि के निर्धारण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान से जारी प्रमाण पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ ही अगर इन सब कागजातों में से कोई अगर उनके पास नहीं है तो माता पिता द्वारा आयु संबंधी घोषणा या संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान 11 जनवरी तक की जाएगी। 10 जनवरी को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। यहां आपके बीएलओ आवेदन लेने के लिए मौजूद रहेंगे। अभियान के तहत आए आवेदकों का निपटारा 1 फरवरी तक किया जाएगा। वोटर लिस्ट का प्रकाशन के लिए 11 फरवरी को अपडेट कर दिया जाएगा। सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 123 में प्रावधान है कि राज्य विधान निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचन सूची यानी कि सूचियों का उनका भाग जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, जिन व्यक्तियों का नाम निर्वाचन के रूप में अंकित हों, वे सभी व्यक्ति पंचायत निर्वाचन में मतदाता होंगे। राज्य विधान निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रवृत्त मतदाता सूची 1 जनवरी 2020 की अर्हता यानी कि योग्यता तिथि के आधार पर तैयार की जाएगी। इसी मतदाता सूची के आधार पर अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के अधीन पंचायत निकायों के निर्वाचन की नियमित मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। 13 से 18 जनवरी के बीच में प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण किया जाएगा। 19 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होगा। 19 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रकाशन की अवधि है। 20 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद से 14 फरवरी तक मतदाता सूची में नई प्रविष्टियों का आयोग का अनुमोदन होगा। उसके बाद से 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। इसी के साथ 14 फरवरी तक मतदाता सूची का मुद्रण किया जाएगा। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ, और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।